चलाते हैं इस बाइक को और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि इसमें जो इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी रिफाइन हो गया। एक बार इसको हम चला के देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। तो काफ़ी कंफर्टेबल है बाइक और जैसा कि आप देख सकते हैं 80 स्पीड चले गई है। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इस बाइक की, इसमें सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। इसमें अगर आपको डुअल चैनल ABS मिलता तो काफ़ी अच्छा रहता। बाकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है इस बाइक का और काफ़ी लोगों का कहना है कि जो 220 मॉडल आता है या फिर 200 बजाज का NS है उसमें जो माइलेज है वो काफ़ी कम मिलता है, लेकिन मेरे पास NS 200 है 2019 मॉडल और उसका माइलेज काफ़ी अच्छा है। 40+ KMPL का माइलेज मैं आराम से एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं उसको पीरियोडिकली मेंटेन रखता हूँ, सर्विस कराता हूँ उस बाइक की। तो अगर आप इस बाइक को सेंसिबली चलाएंगे और रेगुलर सर्विसिंग कराएंगे तो माइलेज इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। 220 cc होने के बाद भी आपको इसमें 35-40 KMPL का माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। और इसका सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। अगर आप लॉन्ग राइड्स में जाएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा, इसका जो कंफर्ट है काफ़ी अच्छा है। हेलो गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरे पास बजाज एवेंजर 220 BS6 और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है थोड़ा मोटा हो गया है, तो ये एज़ पर BS6 नॉर्म है तो इसमें आपको पोल्यूशन का लेवल भी काफ़ी कम मिलेगा। NOx और SOx का जो पॉल्यूटेंट लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि ये बाइक अभी आती है आपके BS6 नॉर्म्स के साथ। और इसमें आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो ये है BS6 का लोगो और इसमें आपको यहाँ पे फ्यूल नॉब नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभी फ्यूल इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो इसकी वजह से जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा इसमें आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ्यूल नॉब मिसिंग है। और बाकी इस बाइक में वैसे बजाज की बाइक्स में कोई चेंजेस नहीं मिल रहा BS6 में, और वैसे ही इस बाइक में आपको बस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं। बाकी इसमें आपको CDI यूनिट इसमें हटा दी गई है और इसमें आपको EC यूनिट मिल जाती है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो अगर इस बाइक में कुछ भी मैल फंक्शन होता है तो आप सर्विस सेंटर में जाएंगे, सर्विस पर्सन इसमें जो EC यूनिट है उसमें एक बॉश टूल के थ्रू इस बाइक को कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू इसमें जो भी मैल फंक्शन होगा या तो वो सेंसर से रिलेटेड हो या तो ABS से रिलेटेड हो या फिर इंजन से रिलेटेड हो तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी है जो BS6 एवेंजर 220 क्रूज़ में आता है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको NS 200 में भी मिलता है और हो सकता है कि बजाज की NS 160 या फिर बजाज 150 BS6 में भी अवेलेबल हो। तो चलिए इस बाइक का एक टेस्ट राइड करते हैं और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो एक मैल फंक्शन का सिंबल दिख जाता है जो कि आपके फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स में होता है BS6 में, और ये है इसका ABS का सिंबल। बाकी इंस्ट्रूमेंट पैनल में कुछ चेंजेस नहीं है। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। तो एक बार हम इसका टॉप स्पीड चेक करते हैं। काफ़ी स्टेबल है बाइक और वाइब्रेशन भी कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है इस बाइक में। इस बाइक में आपको 5 स्पीड का ही गियरबॉक्स मिलता है। तो रोड खाली नहीं है, इसका जो टॉप स्पीड है वो आपको आराम से 130 km/h तक का तो आराम से मिल जाएगा, उससे ऊपर भी जा सकती है बट मेरे ख्याल से 130 km/h तो आराम से चली जाएगी।
एक बार अगर हम इसका ब्रेकिंग चेक करें तो इसमें आपको फ्रंट में ABS मिलता है और पीछे ड्रम ही मिलता है, और इसका ABS काफ़ी अच्छा है। इसका जो टायर था वो पूरा स्किड होने लग गया था, तो बेसिकली एंटी स्किड है, तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है। ABS पूरा इसमें अप्लाई हो रहा था और टायर पूरा फुल स्किड नहीं कर रहा था, पार्शियल स्किड कर रहा था, तो ABS तो काफ़ी कंट्रोल्ड है इसका, और वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है इस बाइक में। इस बाइक की प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो है 1.39 लाख ऑन रोड पुणे, और जो BS4 मॉडल आता था उसकी प्राइस थी 1.26 लाख ऑन रोड पुणे। तो लगभग 13-14 हज़ार रुपये से इसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई है, जिसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, BS6 का इंजन मिलता है। इस बाइक को नॉर्मल चलाने में ही अच्छा लगता है, ज़्यादा स्पीड में चलाने में ये बाइक ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। जैसे बुलेट को आप नॉर्मली कम स्पीड में चलाते हैं, 70-80 तक की मैक्सिमम स्पीड में आप ले जाते हैं, तो वैसे इस बाइक को आप आराम से चलाते हैं तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। और अगर आप इस बाइक से लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, जो बैक पेन है ये सब कुछ नहीं होगा, एक कंफर्टेबल पोजीशन मिलती है आपको राइड करने के लिए। तो ओवरऑल मुझे ये बाइक काफ़ी पसंद आई। तो यही सब बजाज एवेंजर 220 क्रूज BS6 का एक टेस्ट राइड रिव्यू था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू गाइस।